तो ये हमारा तीसरा दिन हो गया वादी रम के डेजर्ट कैंप में, और अब हम जा रहे हैं, हमारी टैक्सी वेट कर रही है वादी रम विलेज पर, जो कि यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता होगा, क्योंकि नॉर्मल टैक्सी आ नहीं सकती है, इतने सैंड में हवा निकालनी पड़ती है टायर में से। तो इनकी गाड़ी से जाएंगे वहाँ तक, और वहाँ से हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे अकाबा की तरफ, और कल हमारी फ्लाइट है वापस इंडिया के लिए वाया अबू धाबी। तो अबू धाबी में भी एक दिन घूमेंगे हम लोग। तो चलते हैं, यहाँ पर फ्री का पानी मिल रहा है तो एक बड़ी बोतल उठा लेते हैं। अब्दुल्ला या हबीबी, यू आर टोटली चेंज व्हाट यू वर यस्टरडे। आई एम वेरी 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 हैप्पी, आल्सो आई एम सो सैड बिकॉज़ यस, टू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड विल लीव नाउ। नो, वी आर नॉट लीविंग द वर्ल्ड, वी विल स्टे इन द वर्ल्ड एंड होपफुली इन द फ्यूचर वी विल मीट समडे, वी विल मीट। Exactly. Yeah, maybe 2 or 3 years later we'll meet. Inshallah. Yeah. But I mean, you will leave from here. Yeah, we'll leave from here, but not from this world. Yeah, okay. Yeah, doctor. Bravo. But we will miss you a lot. Yes, yeah, yes, Abdullah. Inshallah, keep in touch, and we will. Yeah. Yes, yes. We will be inshallah friends eternally. Yes. Yeah. Okay. And the rest. Yes. And the most wonderful guys in the world. Yes. Yesterday I was very, very lucky. I don't know what who loved me more because Allah granted. No, we all loved you. Oh my God. Whether they were Italian, Denmark, or we Indian, we all loved you. Yeah. Yes. And we both are sons of. Yeah. Exactly. Okay. Let's exactly. go. Let's kind go. Guys, okay. Yeah. Okay. Thank you. Shukran. Okay, it's time to go, and Abdullah, nice to meet you, first handshake then. Yeah. It's a bad moment for me and for my friend. No, it's a good moment so that we can meet again. Yeah. I hope. Yeah, why not? Okay. Yeah, and one, that song. One song here. One song for me. I will sing for you. How I can see about طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Thank you. Our 8th day, we are coming from Wadi Rum, and we are here for one night. Okay. Yes. और आज है हमारा लास्ट डे यहाँ जॉर्डन में, और अभी हम लोग ने एक टूर बुक किया है। दुलेश, कितना पड़ा यार इसका? 22% जेडी पड़ा है, और यहाँ पर उसमें क्रूज इंक्लूडेड है, और जो कि रेड सी की पर चलेगी, और डिनर के साथ भी है, और व्यूज भी अच्छे मिलेंगे। तो हम लोगों ने यही कर लिया, होटल से ही बुक कर लिया था। हमारा होटल है यहाँ पर, होटल प्रेस्टीज, और हम लोग चाह रहे हैं टैक्सी करके, लोकल टैक्सी करके उस पॉइंट पे जहाँ से कैच करना है शिफ्ट, और बाहर से नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं सामने। गाइस, यहाँ पर हमको टैक्सी वाले ने 5 जेडी दे के उतार दिया, और हमारा होटल वाला भी काफ़ी अच्छा था, उसने सारा अरेंजमेंट हमारा करा दिया, और सामने ही हमारी शिप खड़ी है, आई थिंक वही है हम लोग की। तो चलते हैं फटाफट, क्योंकि 5:30 का टाइम दिया था, 5:10-15 हो ही गए हैं अभी से। और ये सामने का नज़ारा, आई थिंक शिप हमारी वही पीछे जो लगी हुई है वही है। दुर्गेश भाई, स्मार्ट लग रहा भाई, मेरी टोपी पहन के।
लोग इस समय जॉर्डन में हैं और हमारे सामने यहाँ पर ठीक इस तरफ, ये सामने ये टेल अवीव इज़राइल है, और इस तरफ में पीछे है इस तरफ इजिप्ट, और इधर साइड है सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर एक तरफ है इजिप्ट, एक तरफ है जॉर्डन, एक तरफ है इज़राइल, और सऊदी अरेबिया भी शायद यहाँ क्रॉस करता है। तो ये जो रेड सी है ये यहाँ पर चार कंट्रीज का बॉर्डर शेयर होता है। तो ये चीज़ें, और ये जो हमने बुक किया है काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आप लोग एक दिन ले आ रहे हो अमान में तो ये आप कर सकते हो, इसमें सारे व्यूज़ दिख जाएंगे, एंड यहाँ पर खाना भी इंक्लूडेड है, तो बन रहा है हम लोग के लिए। बज गए शाम के 7 और पीछे म्यूजिक सुनाई दे रही होगी, और यहाँ पर हम लोगों को खाने को भी मिला था पूरा बकायदा डिनर कह लीजिए, अब हो गया है हम लोग का। और एक तरफ इज़राइल होता है और एक तरफ जॉर्डन है, तो ये सारे आप देख सकते हो, यहाँ से एकदम बगल से ही गुजरती है हमारी क्रूज शिप, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और यहाँ से देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी मैंने आपको दिखाया जितना उतना तो हम लोगों ने किया ही यहाँ पर। तो ये काबा भाई बहुत ही मॉडर्न एकदम लग रही, दुबई जैसा लग रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी अच्छा है। इवन हम लोग ने जब अमान को देखा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर जॉर्डन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ है यहाँ पर। शॉप पे आ गए हैं, ये चल भी जाएगा, सूखी मिठाई है ना। ये रही यहाँ की लोकल मिठाई, इसका नाम मैं पूछा था, मैं फिर से भूल गया, और इसी वक्त चलते हैं खाते हैं फटाफट। ये हमने मंगा लिया कुनाफे विद चीज, दुर्गेश भाई। हाँ। क्या अच्छा होता, खाया क्या? हाँ, बहुत फेमस ये मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट है। अच्छा अच्छा, मतलब ये तुम किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाओगे तो तुमको मिलेगा, दुबई हो गया, सऊदी हो गया। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं यूएई गया था, ध्यान नहीं दिया। चलो दुर्गेश भाई डालो। 102 केजी, अरे यार क्या हो रहा है भाई वो अभी हाइट भी देखो बढ़ गई 183। मतलब शूज भी पहने हो ना तुम, शूज कितना बड़ा है शूज, जो मुश्किल से 1 इंच का डिफरेंस ला रहा है। अबू धाबी में, यूएई की कैपिटल, और हमने सारा सामान भी निकाल लिया है बेल्ट से, और जो इमिग्रेशन था वो आजकल अब कोई बंदा नहीं रहता वहाँ पर, आप अपना पासपोर्ट स्कैन करो वहाँ पर, अपनी आईज को दिखाओ और फेस दिखाओ और चले जाओ, तो बहुत ही स्मूथ हो गया है इमिग्रेशन। अगर आपने पहले किया हुआ है तो वो सेव हो जाता है उनके उसमें रिकॉर्ड में, और वीज़ा हम लोगों ने ले ही लिया था, दुर्गेश से बनवा लिया था। तो बस यहाँ पर आज एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर एक दिन का ही टाइम है, एक दिन क्या बल्कि 8-10 घंटे टाइम है, उसके बाद रात की फ़्लाइट लेके मुंबई चले जाएंगे हम लोग वाराणसी, और वहाँ से हमारे घर। और यहाँ पर सर्विस सेंटर पे, एयरपोर्ट सर्विस सेंटर पे आप अपना बैगेज ड्रॉप कर सकते हो, तो हम लोग अपना सारा सामान इसको बैग यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, 8 घंटे के लिए 2000 रुपये लगभग लगेंगे। यहाँ पर आ गए हैं, और ये मॉस्क है पीछे, इधर डोम है, और यहाँ पर है एक थाई क्यूज़ीन की रेस्टोरेंट, और आप यहाँ पर मंगा सकते हो खाना। तो हमने पैड थाई और थाई फ्राइड राइस मंगाया हमने, और दुर्गेश ने, लगभग 40 दिनार का पड़ा है, वेजिटेरियन और चिकन।
मैं तुम्हें कितनी बार